क्योंकि लिमिटेड एडिशन है। अल्लाह के हर काम में जो होता है ना वो बेहतरी ही होती है। यहाँ पे तो ऑलरेडी फुल है। होटल में हम आ गए हैं, ये इनकी टेम्परेरी लाइट्स हैं जो सिर्फ हॉल में या आउट में है। लिफ्ट्स आल्सो नॉट वर्किंग। और जाते हैं हम अंदर। एक और लेडी थी वो भी ना ऐसे ही कंप्लेन कर रही थी। यार अब हम जाते हैं अपने रूम की तरफ। ये बेचारी अपने रूम से निकल के ना यहाँ बैठ के फ़ोन को चार्ज कर रही थी, क्योंकि ऑफ कोर्स रूम में लाइट ही कोई नहीं है। और हम जाते हैं, क्योंकि लिफ्ट वर्क नहीं कर रही है तो हम लोग स्ट्रेट से ही जो है ना ऊपर जा रहे हैं। हालांकि ये होटल इतना सस्ता भी नहीं था कि अगर सोचा जाए कि भाई हमने कोई बहुत सस्ता होटल लिया है, चीप प्राइस है इसीलिए ऐसा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। नो लाइट्स, स्टिल लाइट्स नॉट हेयर। नो लाइट्स हेयर एंड टॉयलेट वाटर इज स्टिल रनिंग आउट। वी टोल्ड देम बिफोर वी लीव द होटल दैट वी नीड टू मेक फिक्स दिस थिंग्स, बट दे डिडन। मैं आई हुई अपना चार्जर लेके और यहाँ पे लगाने आई हुई। यहाँ पे तो ऑलरेडी फुल है। अभी समझ में नहीं आ रही कि मैं अपना फ़ोन कहाँ पे चार्ज पे लगाऊँ। यहाँ पे लोग लगा कर पहले से बैठे हुए हैं। अभी जिनकी 100% होगी तो वो जो है ना यहाँ से उठेंगे। और मैं ढूंढ रही हूँ कि मुझे भी कोई जगह मिल जाए चार्ज लगाने के लिए। यहाँ वहाँ कहीं पे भी नहीं है। बहुत ही अजीब सा ये इनका होटल है कसम से। इतनी हम लोगों ने हॉलीडेज़ की, इतनी जगहों पे गए हैं, कहाँ कभी भी ना ऐसा कहीं हुआ नहीं है कि ऐसी सिचुएशन आई हो ना। ये लेकिन ये यही होटल है जो इतना अजीब सा है। ना यहाँ पर बिजली है और ना ही बस, ये कसम से अजीब सी है ये। ये मैनेजर दे गिव दिस फॉर चार्ज नो इंग्लिश। ओके, दे डोंट नो इंग्लिश दैट। आई नो इंग्लिश। ओह, यू नो इंग्लिश। सो हु गिव्स दिस द? आई डोंट नो, इट वाज हियर। ओह, इट वाज हियर। ओके ओके ओके, फॉर एवरीवन टू यूज इट हियर। सो नो इलेक्ट्रिसिटी हियर, सो पीपल आर यूजिंग। नो सी, दिस इज द सेकंड डे, नो इलेक्ट्रिसिटी हियर एंड पीपल आर जस्ट सिटिंग इन सिटिंग एरिया ऑन फ्लोर एंड चार्जिंग देयर फोन। लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह तो यहाँ पे मुझे मिल गई। और ये लड़की का जो है ना 90% है, कह रही एक मिनट ठहर जाए तो मैं फुल हो जाएगा इसका चार्ज, तो फिर मैं करती हूँ। अब तो यहाँ पे बैठ के ना मैं वेट कर लेती हूँ। यहाँ पर देखें, ये जो पब्लिक है ना ये भी इनसे झगड़ा कर रही है। वो ये लोग तो फ्रेंच में बोल रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर पे किया है, इतने पैसे दिए हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। तो ये कुछ इनसे कह रहे हैं कि अभी क्या मामला है, देखें ये सॉर्ट आउट कर रहे हैं। काफ़ी देर से ये लोग यहाँ पर खड़े होकर ना इनके साथ बहस कर रहे हैं और आपस में भी ये डिस्कस कर रहे हैं। वैसे ये हमारे भी लाइफ में ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस तरह से कि किसी हॉलीडे पर हम गए हों, पूरे लाइक सबकी इस इलेक्ट्रिसिटी आ रही है बस, लेकिन इनका शायद कुछ मसला बना है इनका इलेक्ट्रिसिटी का, पता नहीं क्या मसला बना है कि वट एवर, आई डोंट नो। बट दे एवरी वन इज़ आर्ग्यूइंग हियर। इवन वी डिड आस्क द मैनेजर इन द मॉर्निंग लाइक वॉज गोइंग ऑन, बिकॉज वी आर कमिंग फ्राम, वी कम फ्राम यू के हेयर फॉर हॉलीडेज एंड वी वॉन्ट हेयर टू रिलैक्स चिल। And if you can see, everybody is just sitting around like they are on airport and charging their phone and stuff, you know. So let's see what they're doing. Let's see, go around. Okay, जी हम पहुँच गए हैं हमारे रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए। और यहाँ पर हमें फ्री डिनर मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। फ्री डिनर हमें इन लोगों ने हमें ऑफ़र किया है। इन्होंने कहा है कि क्योंकि यहाँ पे जो ना इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है, तो इसकी वजह से इन्होंने हमें कंपनसेशन दिया है। और कहे कि आप लोग हमारे
होटल में फ्री डिनर कर सकते हैं। तो हमने कहा चलो बहुत अच्छा, अल्लाह के है हर काम में जो होता है ना वो बेहतरी ही होती है। तो यहाँ पे आ गए हैं हम सैलड बार में, तो मैंने कहा चलें आप सबके साथ शेयर करती चलूँ ये सैलड बार में क्या क्या है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये है चना है, पास्ता है, पोटैटो है, और ये मिक्स सैलड है, और इसमें भी देखिए ना सारे मिक्स सैलड वगैरह हैं, ऑलिव्स हैं, एक्स्ट्रा सम ऑलिव्स। स्टार्टर में इतना कुछ है, सैलड वगैरह में ही इसी से पेट भर जाएगा। कुछ सैलड यहाँ पर है, बीट रूट ले लेते हैं, इसमें है बीट रूट, जैसे बीट रूट ले लेते हैं। सैलड से स्टार्ट करते हैं भाईजान, और इनके पास है ना मसर की दाल भी रखी हुई है। ओके जी, फ्रूट्स में है यहाँ पर मेलन, यस। डिज़र्ट्स में है यहाँ मेलन है, ये भी डिज़र्ट है। और अगर आप डिज़र्ट्स में देखें तो यहाँ पे जी डिज़र्ट में है काफ़ी सारी कुकीज़ हैं, और यहाँ बहुत ही मज़े की लग रही हैं, और ये वाला केक है, वैसे तो ये पिस्ताचियो और ये वाली मेरी फेवरेट है। एक छोटी प्लेट में जो ना ये रख लेती हूँ क्योंकि लिमिटेड एडिशन है, जस्ट वन ऑफ दिस वन, ये मेरा फेवरेट है। वैसे अच्छा यहाँ पे बिजली तो कोई नहीं है, अंधेरा हो रहा है, तो हमने सोचा चलो इससे पहले कि बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए और फिर इतना वो नज़र नहीं आएगा यहाँ पर, तो हम ले लें। तो इन्होंने यहाँ पे स्टार्टर में रखा है सोसेजेस हैं, कबाब हैं, और यहाँ पर जो ना ये ताज़े यहाँ पे बना रहे हैं, और मैं इनकी इतनी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ। यहाँ पे बॉयल वेजिटेबल्स हैं, इन्होंने रखे हुए हैं यहाँ पे मोटे ये राइस हैं, मोरक्कन राइस है, और यहाँ पे मसूर की दाल है, काले मसर, जो कि ऑलरेडी मैंने ले लिए हैं। ट्राई करते हैं कि ये हमारे पाकिस्तानी स्टाइल के हैं या नहीं। और यहाँ पे ये सेवियाँ मैंने देखी हैं, क्योंकि ये मोटे राइस है वो तो मैं नहीं खाती, तो ये सेवियाँ यहाँ पर हैं, लेकिन ये नमकीन है, इसमें थोड़ा सा ना किशमिश वगैरह डाली हुई है, तो नमकीन स्टाइल की है, ये मैंने ले ली यहाँ पर। तो यहाँ पे चिकन है, फिश है, बीन्स हैं, और ये भी कुछ ये हाँ ये गोश्त है, आई थिंक बीफ का है ये, और तो जी मैंने मेरा डिनर ले लिया है। यहाँ पे पता नहीं कुछ वेजिटेबल एग्स हैं, यहाँ पे वाइट चिकपी हैं, यहाँ पे सारा मिक्स वेजिटेबल है, कुसकुस है, और ये है मोरक्कन सूप, ये देखें ये मोरक्को सूप है यहाँ पर, और ये मेरा खाना है। और सूप के साथ है ना यहाँ पे इन लोगों ने ब्रेड रखी है, क्योंकि अभी लाइट तो है नहीं, तो ये वाले इन्होंने तो रख दिए हैं। और इस साइड पे जो है ना सारा वो है, और मिक्स ओल्ड है नहीं है बिजली, तो अंधेरा अंधेरा है यहाँ पर सारा, लाइटें शाइटें सब ऑफ हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा खाना, इसमें दायरा हमारे रहें, पहले मैंने इनकी दाल चख लूँ कि इनकी दाल कैसी है। दाल का अपना ही जायका है, और ये चखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग निकले हैं नाइट वॉक के ऊपर, और यहाँ पर ये देखें सामने ही वो पहाड़ी है, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है, और ऊपर से चेयर लिफ्ट भी नीचे आती हैं, और इस साइड पर जो है ना वो साहिल समंदर है, सारा समंदर है,
रात का वक्त है तो समंदर नज़र नहीं आ रहा, बाकी वो पीछे जो है ना सैंड और समंदर है। और दूसरी तरफ है सारी शॉप्स, ये शॉप्स हैं, खाने के हैं, रेस्टोरेंट्स हैं सभी, और बहुत जो है ना यहाँ पर रंग रौनक लगी हुई है। रात के 1-2 बजे भी आप आके देखें तो ये ऐसे ही ये वाले जो लोग हैं ना यहाँ पे जाग रहे होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा पुर रौनक जो है ना इलाका है, बहुत ही पुर रौनक इलाका है ये वाला। और ये यहाँ पे देखिए जो है ना यहाँ पे लाइटें जलती हैं, हम लोग रोड क्रॉस करने लगे हैं यहाँ से। ये भाई मेरे पीछे पड़ गया बेचारा। ला मरीना द कॉफी वो है ऊपर, ये बहुत बड़ी जो है ना यहाँ की कॉफ़ी शॉप है। यहाँ पे लाइट नाइट कप है, चाय पानी है, यहाँ पर केमोलिन है, पिज़्ज़ा शेक स्लश चाय पानी पे है, और फूड यार्ड है कस्बा अलारबी। यहाँ मैंने भी देखा चाय पानी, तो ये लगता है इंडियन या पाकिस्तानी बंदा है जिसकी ये वाला है रेस्टोरेंट। और यहाँ पर देखिए ये टैक्सी वाला आ रहा है, और ओह लड़कियाँ कितने आराम से बैठी हुई हैं कसम से। फूड यार्ड यहाँ पे जितने भी मैंने रेस्टोरेंट्स देखे हैं ना सभी बिज़ी हैं, सब के सब बिज़ी हैं। यहाँ पे टूरिस्ट के लिए बग्गियाँ रखी हुई हैं इन्होंने, काफ़ी सारे यहाँ से चक्कर लगा रही होती हैं। और चलते चलते हम आ गए यहाँ की कॉस्मेटिक शॉप में। लड़कियों हो और कॉस्मेटिक शॉप में ना ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरी बच्चियाँ जो है ना आ गई हैं कॉस्मेटिक शॉप में, आ गई है देखो इसको टेस्ट करवा रही है। यहाँ पर इनकी नेल पॉलिशेस हैं, यहाँ पे शेड्स हैं, यहाँ पे फेस पाउडर है 55 दिरहम के हैं, 5 pounds। बच्चों ने अपनी शॉपिंग कर ली, बाहर चलते हैं। और ये देखे बस यहाँ पर गाना ही गाना, डीजे म्यूजिक आर्टिस्ट बच्चे अब इसके अंदर चले गए हैं। और इनके स्काफ तो देखें इतने प्यारे स्काफ हैं, ये इसकी प्राइस है। और ये देखिए कितना नाइस फैब्रिक है इनके स्काफ का। और ये टोपियाँ देखें, सनग्लासेस देखें, वाह क्या सनग्लासेस है, वेरी प्रीटी। और यहाँ पर इनके हैंडबैग्स देखें, इसकी प्राइस देखें 335 pounds का है ये। और ये वाला देखें, और ये छोटा देखें 300। Thank you.
अंगल ये हम लोग ने रास्ते में से जूस लिया, उसने इतना टेस्टी इतने मज़े का जूस बनाया ना। इसमें हमने डाला था ड्रैगन फ्रूट, पाइनएप्पल, ऑरेंज और हनी। बहुत मज़ा आया, बस वेरी 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 यम्मी। तो बस अब हम घर जा रहे हैं वापस, हमारी नाइट वॉक भी होगी और रात के 12 बज चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ही हो गया हमारा आज के दिन का व्लॉग ख़त्म, और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बस अब घर जाते हैं, अब हम सो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए व्लॉग के साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।